हेलो एवरीवन। और अभी मैं मायके में हूँ और आज देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, और आगे आप लोगों को बताएंगे कहाँ घूमने जा रहे हैं। और आप लोग भी घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गए होंगे, तो चलिए आज मेरे साथ आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और बहुत ही अच्छा ब्लॉग है ये, आगे देखिएगा, ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने, और कहाँ जा रही हूँ ये भी देखिएगा आप लोग। तो चलिए फिर चलते हैं। रास्ते का व्यू इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मौसम भी इतना अच्छा हो गया है, और देख सकते हैं आप लोग कितना ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैंने फिर रास्ते का बहुत ही अच्छे से व्यू कैप्चर किया हुआ है, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। और ये देखिए गाड़ी टर्न कर रही है और हम लोग आ गए हैं अपने फार्म हाउस में, और छोटा वाला भाई यहीं पे था। और जैसे ही फार्म हाउस में आए ना, तो शुरुआत में ही ये पेट है हमारे फार्म हाउस के, और जर्मन शेपर्ड वैरायटी के हैं ये डॉग, और बहुत ही अच्छे पेट हैं ये। और मेरे भाई के ना, ये जो डॉग है ना, मेरे भाई के फेवरेट पेट एनिमल्स में है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है मेरा भाई इनसे। अले 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 आ लिया, इधर आ। अच्छा 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 मेरा बाबू, क्या लो रहे थे तुम? बुआई के पास खाली रह पाती है। चलो चलो चलो, कहाँ चलना है बताओ? जा जा बैठो। और अभी ना हम लोग बाहर ही हैं, अंदर नहीं गए हुए, थोड़ा सा गए थे, लेकिन बाहर भी बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह में ये फार्म हाउस बना हुआ है। और अभी ऊपर भी काम चल रहा है, नीचे भी इसकी कुछ काम बाकी है, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। जब ऊपर का बन जाएगा तब नीचे भी सारा काम एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों से हम लोग कहीं ऐसे घूमने भी नहीं निकले हुए थे, और बस अपने घर से मैके आई हुई थी भतीजी के मुंडन के लिए। और ये वाली जो भतीजी है इस वीडियो में, इसके मुंडन के लिए आए हुए थे, और जो अभी मेरी भतीजी हुई है ना, जो 15 दिन की है, उसके डस्टॉन का भी फंक्शन था। तो ये देखिए, ये भाई की बेटी है, ये जो भाई खड़ा है ना छोटा वाला, ये इसी की बेटी है, और ये इसके साथ में लाड़ कर रहा है। तो सारे बच्चे कार के ऊपर बैठ गए थे और इतना ज़्यादा हंसी मजाक मस्ती हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरा तो मन कर रहा था कि यहीं पे आज रात रह जाऊं, इतना अच्छा लग रहा था। और बट क्या करती, घर जाना भी जरूरी था। ले ले ले, ये देखो भैया, देखो देखो नहीं नहीं बस यही रहो। मेरी फीका बहुत अच्छी है, हमने तो कहा था चल। मेरे चुनना है, मेरा चुनना। खुश, ये देखो आगे बागी जा रही है कुछ। क्या चल रही हो?
किचन में अंधेरा पड़ा है, लाइट मालूम है वो खाना कौन बनाता है पप्पू? ये है मेरे फार्म हाउस की किचन। किचन तो खैर बहुत अच्छा बना, आप देख सकते हैं, ये देखिए, और बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। और ये रही मेरे फार्म हाउस की किचन, और काफ़ी बड़ी जगह में किचन भी बनी हुई है, और मुझे ये किचन बहुत अच्छी लग रही थी। और अभी थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, अभी थोड़ा सा काम बाकी है, और ऊपर वाला जो फ्लोर बन रहा है ना उसमें तो भी काफ़ी सारा काम बाकी है। और ये जो सामने आप टाइल्स देख रहे हैं ब्लू कलर के ना, ये जस्ट किचन के बगल में किचन का ही सामान रखने के लिए छोटा सा स्टोर रूम टाइप का बना हुआ है। और यहाँ पर ना जो मेरी मेरे मायके का जो बिजनेस है, जो हमारी फैक्ट्री है, तो वहाँ के ही वर्कर्स रहते हैं, और कुछ जैसे मैनेजर हो गए और कुछ वर्कर्स हो गए, इस तरह से रहते हैं। तो वही लोग यहाँ पर खाना बनाते हैं, और जो पेट एनिमल है ना तो उनका भी खाना यहीं पर बनता है, वो पेट एनिमल भी यहीं रहते हैं सारे। दो डॉग हैं, दोनों डॉग यहीं रहते हैं। और अभी ना जैसे मेरे मायके में ना हम लोग प्याज वगैरह नहीं बनाते हैं, आप लोगों को पता है, या फिर ऊपर वाली किचन में बनाते हैं। तो आज यहाँ पर ना दीक्षा का बहुत मन हो रहा था प्याज के पकौड़े खाने का, तो प्याज के पकौड़े बनेंगे और मेरा भाई बनाएगा, हम लोग सब लोग मिलकर बनाएंगे। और प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना अरेंजमेंट अभी किचन में जो भी सामान का अरेंजमेंट है ना वो कायदे से नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर कोई लेडीज तो रहती नहीं है, सारे जेंट्स रहते हैं, वो भी जो मेरी फैक्ट्री है ना वहाँ के वर्कर्स रहते हैं। तो मतलब लिमिटेड ही बर्तन है, लिमिटेड ही सामान है, और अभी ही बनकर रेडी हुआ है, तो अभी काफ़ी कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर होने हैं, तो कुछ चीज़ों से ही काम चलाना रहता है, थोड़े ही बर्तन हैं। तो प्लीज़ आप लोग जज मत कीजिएगा किसी भी तरह से, कोई भी बात आप लोगों को माइंड करे तो। और हम और मेरी छोटी वाली भाभी दीक्षा मिलकर चाय बनाएंगे, बच्चों के लिए मैगी बनाएंगे। और ये ना मेरे लिए यहाँ पर जो मेरी फैक्ट्री में मैनेजर भैया है ना, बहुत मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत मानते हैं, और मतलब मुझे कभी ये फील नहीं होता है कि मतलब ये हमारे यहाँ मैनेजर हैं या मेरे यहाँ काम करते हैं, मतलब बिल्कुल भाई सगे भाइयों की तरह इन लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, और ये लोग भी उतना ही सम्मान देते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरे बहुत सारे भाई हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्नेह से रहते हैं सब लोग, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए नमकीन मंगाई गई थी कि दीदी आ रही हैं तो दीदी को चाय नमकीन खिलाई जाएगी। तो यहाँ आस पास में ना जैसे बहुत अच्छा सामान नहीं मिलता है, तो सारा सामान या तो पुखराए से आता है या फिर कानपुर से आता है। अभी हाल फिलहाल में क्योंकि यहाँ पर आना जाना बहुत रहता है ना, तो कुछ नाश्ते का सामान ख़त्म था, तो फिर उन लोगों ने ना यहीं आसपास में कोई शॉप होगी तो वहीं से ले लिया था। बट ये जो नमकीन थी ना, मेरे बेटे को, मेरी आत्या को, हम सभी लोगों को इतनी अच्छी लगी, 1 किलो की नमकीन का पैकेट था ना, और ये बच्चों ने तो ना चाट चाट के नमकीन खाई, इतना मतलब। और कुछ होता भी है ना कि जितना ज़्यादा बच्चे खेलते हैं ना उतनी ज़्यादा भूख लगती है, और खुली जगह में आ गए और बच्चे इतना इंजॉय कर रहे थे, इतना ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, तो उन लोगों को भूख भी बड़े मस्त लगी हुई थी। और उन लोगों के लिए फिर मैगी बनाई हुई थी मैंने, और फिर उसके बाद में चाय बनाई, पकौड़े बनाए गए प्याज के, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ पर। और ये फार्म हाउस का बैक एरिया है, और जितना अंदर बना हुआ है ना इतना ही बैक में छूटा हुआ है, अभी उसमें भी काम होना है, और देखते हैं क्या बनवाया जाता है बैक एरिया में भी। और ये देखिए जो बोलते हैं ना गैलरी लॉबी, नहीं सॉरी गैलरी टाइप की, अब मुझे इतना नहीं आइडिया है, तो बहुत ही बड़ी जगह में बना हुआ है, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बस मुझे ये लग रहा था ना कि यहीं पर रह जाऊं। और ये देखिए मैं दूध शिफ्ट कर रही हूं, और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि यहां पर लिमिटेड ही सामान रहता है, और देखिए दूध भी है ना, तो आज मैंने ना
कम दूध की चाय बनाई थी। मैं तो वैसे भी एक कप दूध एक कप पानी वाली चाय बनाती हूँ, बट आज उससे भी कम दूध की चाय बनाई थी, लेकिन इतनी बढ़िया चाय बनी थी और तीखी तीखी नमकीन प्याज के पकौड़े के साथ में बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और देखिए दीक्षा बैठी हुई है और बहुत मस्ती कर रहे थे। एक्चुअली जो रियल वॉइस थी ना वीडियो की, वो तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आते आप लोगों को अगर आप लोग सुनते, बट मुझे वॉइस म्यूट करनी पड़ रही थी क्योंकि ये बच्चे इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे और इतनी ज़्यादा आवाज़ गूंज रही थी क्योंकि बड़ी जगह में होने की वजह से ना कुछ भी बोलते हैं तो आवाज़ बैक मारती थी, तो बहुत ज़्यादा शोर लग रहा था वीडियो में, तो इस वजह से मुझे रियल वॉइस म्यूट करनी पड़ी। और हम लोग सब लोग चाय इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। और बस और यहीं तक ही मैंने अपने वीडियो को भी रखा हुआ था। और उसके बाद ये देखिए बच्चे मैगी खा रहे हैं और मैगी के साथ में चाट मसाला भी ले रहे हैं, मतलब फुल ऑन मस्ती, इतनी ज़्यादा मस्ती हो रही थी। बस ज़्यादा हो और साथ ही साथ वीडियो को भी यहीं एड करूँगी मैं और प्याज की पकौड़ी खाती जा रही हूँ। और फिर कभी पॉसिबल हुआ तो फार्म हाउस में आप देखिए यहाँ का पूरा बहुत ही अच्छे से टूर शेयर करूंगी, बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि बहुत अच्छा बना हुआ है, बट अभी तक मैं कायदे से आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ। तो चलिए हम लोग भी पकोड़े इंजॉय करते हैं और आपको भी यहीं पर बाय बाय बोलते हैं। और प्लीज़ मैके के सारे ब्लॉग जरूर देखिएगा और बहुत अच्छे ब्लॉग होते हैं यहाँ के, तो यहाँ के भी अच्छे होते हैं वहाँ के भी अच्छे होते हैं, बट यहाँ में ना मस्ती बहुत होती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राधे। और हम लोग अपने चाय पकौड़े इंजॉय कर रहे हैं।